बायतू उपखंड मुख्यालय के पुराना गांव बायतू के निवासी तीन सगे भाइयों का हाल ही में सोशल मीडिया पर स्केटिंग करते हुए जमकर वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद से लगातार इन तीनों बच्चों को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में मंगलवार को भाजपा नेता बालाराम मूंड ने उनके निवास स्थान पहुंचकर बच्चों को बधाई दी एवं उनका हौसला अफजाई की। मूंड ने कहा कि वह बायतू में इन तीनों बच्चों के सहयोग के साथ साथ बायतू के हर खिलाड़ी के सहयोग में हमेशा तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुश्ताक खान के तीनों बच्चों ने बेहतरीन तरीके से स्केटिंग करते हुए बायतू का नाम रोशन किया है। इस दौरान मुश्ताक खान सहित आमजन ने भाजपा नेता बालाराम मूंड से बायतू में खेल मैदान तैयार करवाने की अपील की, जिस पर मूंड ने हर संभव सहयोग प्रदान करने की बात कही। आज मैं मुश्ताक जी को बच्चों ने खेल में प्रदर्शन किया, मुश्ताक जी को बच्चों को बधाई दे रहे हैं और मैं ये शुभकामना देता हूँ कि ये बच्चे वीरता बाई की टीम एक दिन बायतू का नाम पूरे भारत में रोशन करें। मैदान के लिए बायतू में खेल मैदान का अभाव है, इसमें मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान सरकार ये सरकार से सबसे जो कोशिश कर रही है इसमें खेल मैदान धोराधट्टी में ऐसी प्रतिभाएं पहले तो कहीं नज़र नहीं आई, मगर मुश्ताक जी ने जो ये मुहिम शुरू किया तो मैंने भी सोशल मीडिया पर कहीं देखे केंद्र आएगा हमारी विधानसभा में जो भी इस तरह से प्रतिभाएँ उनको राज्य सरकार द्वारा जो भी खेल सहायता हो उसकी सहायता करके आपको बता दें कि बायतू पुराना गांव निवासी मुश्ताक खान के तीन बेटे अल्ताफ, जावेद और महबूब लगातार बायतू की सड़कों पर स्केटिंग करते हुए सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। मंगलवार को भाजपा नेता बालाराम मूंड ने मुश्ताक खान के घर पहुंचकर उनके तीनों बेटों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर भाजपा नेता कुंभाराम धतरवाल, जोगाराम मूंड भोजासर, गणेश शर्मा, धर्माराम, शौकत सोलंकी सहित आम जनता मौजूद रही।